देखो यहाँ पे ये भाई ने ये बोरियों के अंदर रेत भरी है। और ये रेत क्यों भरी है बोरी के अंदर यहाँ से, ये भी मैं आपको बताऊंगा कुछ देर के बाद। वैसे मुझे भी नहीं मालूम क्यों भरी। क्यों क्यों भरी भैया? ये रेत भरी मुंह में मिला के मुंह में लगा। अरे मत कर यार, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा क्यों भरी है। नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको मैं बताऊँ तो आज से हमारी मूंग की बोनी की स्टार्टिंग हो रही है, जो कि हम स्टार चार 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 मूंग हमारे खेत में बो रहे हैं। तो मैं आपको हल्की फुल्की सी ब्लॉगिंग दिखाऊंगा और ब्लॉगिंग में ये दिखाऊंगा कि हम मूंग कौन सी बो रहे हैं। वो तो मैंने बता दिया, स्टार चार 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 मूंग में क्या मिला रहा है, क्यों मिला रहा है, सीडल कितने पे है, कितना बो रहा है, क्या कर रहा है। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं आज के ब्लॉग। तो ये अपने अजय भाई हैं जो कि बोरियां खोलने में व्यस्त हैं। और अजय भाई बोरी खोल रहे हैं ग्रो प्लस फर्टिलाइजर की। ये ग्रो प्लस उर्वरक है, फर्टिलाइजर वो कुछ इस तरह से आता है। इसमें बहुत सारे मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व और पोषक तत्व हैं, जिसका कि एक अलग से वीडियो है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर एक और चीज़ मिला रहे हैं मूंग में, ये है सल्फर 90% दानेदार। क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि दलहनी और तिलहनी फसलों में हमें सल्फर का उपयोग बुआई के समय करना चाहिए। और ये मूंग है स्टार 444 और ये मूंग हम इस साल पहली बार बो रहे हैं। इसका भी इन सभी चीज़ों का अलग से वीडियो है, तो मैं आपको लिंक दिखा दूंगा। और सीडल इस समय तैयार है, एकदम ओके है बुआई के लिए। बस इसको खेत में ले जाके सेट करना बाकी है। कि तो भाई जी कुंडे में कितने किलो मूंग लिया है तुमने? ये टोटल हो गई 70 किलो। नहीं जामे कितनी तगाड़ी लाए जा कुंडा में? 36 किलो है इसमें। 36 किलो मूंग है। हमने एक तगाड़ी भर के उसको नाप के देख लिया था तोल के, तो एक तगाड़ी का वजन लगभग 12-12.5 किलो आ रहा है। तो इसके अंदर 3 तगाड़ी मूंग है। अब मैं एक ट्राली लाता हूँ, उसके बाद में थोड़ा सा ब्लॉग आगे का आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। यहाँ पे अपने अजय भाई दानेदार सल्फर की पैकिंग खोल रहे हैं। और ये सल्फर भैया इस तरह की है, ये देखो बिल्कुल सल्फर में सुल्ला लग गया है, दाल के जैसी सल्फर है। सल्फर में सुल्ला लग गया, गौतम भाई बता रहे हैं सल्फर में सुल्ला लग गए। अच्छी है सल्फर वैसे। ये एक एक और आती है, और मूंग में हमने मिलाया है मैनको जेम और कार्वेंडा जेम, जो कि रतन के नाम से है। ये फफूंद नाशक है। और ग्रो प्लस हमने मिलाया है 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से, मतलब कि 10 किलो मूंग में लगभग 40 या 50 किलो ग्रो प्लस मिलाया है हमने। भाई लोग कुछ जो और डोरी पहले दे मूंग और ये पट्टी और डोरी ये भरने फल पार्क कहाँ दूर पर है क्या नहीं? सही है। और इधर पे पाइप भी चल रहे हैं, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ।